मैनेजमेंट कोटा सीट्स के नाम से ही वैसे क्लियर है कि मैनेजमेंट का कोई हक है? इट मींस कॉलेज के बाकी मेंबर का कोई हक नहीं है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि ये सीट्स कैसे, किसको, कितने में जानी है ब्रीफ में, सिर्फ ये इसका सेंट्रल आइडिया है। तीन तरह के कॉलेज होते हैं, नंबर यहाँ लिखा है कॉलेजेस, ओके, जहाँ इंस्टीट्यूशन, वो जो 100% गवर्नमेंट एड जिनको मिलती है, ये हो गए गवर्नमेंट कॉलेज, ओके। दूसरे होते हैं जिनको पार्शली मिलती है, 75% अब मिलती है, पहले 95% होती थी, जिनको एडेड कॉलेज कहते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिनको कोई भी ग्रांट नहीं मिलती, ZERO, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। तो ये कॉलेज जब चलाने हैं तो खर्चा कैसे चले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इनको खर्चा निकालने के लिए 13% सीट्स, किनको, ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेज और ये हो गए एडेड कॉलेज, ये हो गए सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जहां जिनको बोल देते हो आप प्राइवेट, PVT लिखा है, प्राइवेट कॉलेजेस, हाँ, तो इनको 13% जितनी भी सीट्स हैं, 100 हैं तो 13 सीट्स ये मैनेजमेंट कोटे की फिक्स होगी, जिसमें ये एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं, जिससे ये कॉलेज के खर्चे वगैरह जो भी हैं, जैसे भी डिसाइड हुए हैं, वो चला सके। तो ये मैनेजमेंट कोटे का जो हिसाब किताब है, वापस चलते हैं यहाँ, देखते हैं कि इसकी जो वेरिएबल्स हैं, डायमेंशंस हैं, तो जो इन बीएड के लिए जिन्होंने इनके ज़रिए सीट लेनी है, कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा है, मैनेजमेंट को भी फ़ायदा है। और कैंडिडेट को फ़ायदा क्या है कि वो भूल गए कि उन्होंने कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट देना था, वो भूल गए, तो यहाँ पर उनकी जिम्मेवारी थी कि याद रखना, बार बार मैंने इसलिए कहा था कि ये आपकी फ़ीस बच सकती है, जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है तो मैनेजमेंट कोटा फीस बढ़ जाती है, ये भी एक कारण है, आगे चल के सभी बताता हूं। तो CET जिन्होंने नहीं दिया, नंबर वो जिन्होंने दिया है उनको मैनेजमेंट कोटे में जाने की जरूरत नहीं है, वो सस्ती सीट ले सकते हैं, ये महंगी सीट हो सकती है, उतने में भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। सो जिन्होंने फिल नहीं किया, तो क्या इन्होंने इनके जो जो 2600 और जनरल कैटेगरी के हैं और 1300 रिजर्व कैटेगरी के हैं, वो पैसे बच गए? आंसर है नहीं। जो काउंसलिंग फीस है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने है, वो इन्होंने लगनी ही लगनी है, वो अलग से लगेगी लगेगी, दैट इज़ वाई कहा था कि इसको ऐसा है कि एंट्रेंस टेस्ट दे दो, ये फीस बच सकती है। मतलब उसका प्रोसीजर कहाँ, कैसे, कब स्टार्ट होना है, वो भी बताता हूँ। ये बात है कि ये जो फीस है इनकी नॉर्मल होती है, नॉर्मल फीस जो है, वैसे जो एक्चुअली गवर्नमेंट रूल में कहीं भी इसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, नॉर्मली 1,37,000 बीएड की फीस 2 साल की बोली जाती है, तो इसकी नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा फीस कोई होगी, वो एक्स्ट्रा कितनी होगी ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। मान लीजिए वो उन्होंने मिनिमम है, किसी ने 0 डिसाइड की है, जैसे कोई मिशनरी कॉलेजेस हैं, यहाँ संत बाबा भाग सिंह इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे जो जो रिलीजियस पीपल, स्पिरिचुअल माइंड वाले पीपल चला रहे हैं, वो एक्स्ट्रा फीस लेते नहीं हैं, ऐसे भी कॉलेज हैं, है ना, हमारे नज़दीक था शायद टल्लेवाल कॉलेज, वो भी नहीं लेते थे, ऐसे कई कॉलेज हैं नहीं लेते, और जो कॉलेज बाकी हैं प्राइवेट कॉलेज, वो डिसाइड कर सकते हैं, कई कॉलेज फिक्स कर लेते हैं कि हमने ये मिला के ये हमने 20,000 एक्स्ट्रा लेने हैं बस, हाँ, कई इतने में खुश हो जाते हैं, कई कहते हैं कि 50,000 ही लेने हैं, कई टोटल में फिक्स कर लेते हैं कि हमारी सीट 1,50,000 में फिक्स हो गई, कई डिपेंड करता है, बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग मैक्सिमम बार्गेनिंग होती है कि आपको नीड कितनी ज़्यादा है, अपने आप रिच कितने हो, ये रियलिटी है, आप जो है नॉर्मली आपके बात करने से पता चल जाता है कि ये खर्च सकता है, पहले ही आप डर में कह देते हो ना कि यार मुझे ये चाहिए, पैसे की कोई परवाह नहीं है, तो उसको महंगी मिल जाती है। तीसरा कि आपका सब्जेक्ट जो है नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, और सब्जेक्ट है, और वहाँ क्योंकि ये सीट खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट में दे देते हैं। सो ऐसे नॉर्मली 20,50,60,70,80,90,000 तक, लाख तक भी ये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
कॉलेजेस कौन से होंगे ये मैं पहले बताया हूँ, गवर्नमेंट नहीं, एडेड नहीं, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और ये कॉलेजेस लगभग आप मान के चलो 180 के करीब कॉलेज होंगे, बाकियों को ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट हैं कि सीट्स कितनी होंगी, 13% होगी। अगर किसी कॉलेज में, जैसे मेरे कॉलेज में 200 सीट्स हैं, तो मेरे पास 26 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, है ना। सब्जेक्ट जो हैं लगभग हर सब्जेक्ट में एक या दो दो सीट्स, एक एक दो दो इतनी सीट्स होती हैं हर सब्जेक्ट में, कैटेगरी होती है, किसी सब्जेक्ट में कोई भी नहीं होती, तो लेकिन वो कर लेते हैं कि इसको मैनेजमेंट में वो शिफ्टिंग हो जाती है। कैटेगरी को क्या कैसे मिलेगी, कैटेगरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई रिजर्व कैटेगरी, कोई माइनॉरिटी, कोई ओबीसी, कोई एससी, इसमें कोई कुछ नहीं चलता, इसमें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओके, कोटा 85 है, 75, ये कुछ ऐसा इसमें नहीं चलता। तो इसका प्रोसेस कहाँ से कब स्टार्ट होता है, पहली काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग में क्या था कि आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आ गए, रैंक आ गया और आपको अलॉटमेंट हो गई, आपने रिपोर्ट कर दी, नहीं रिपोर्ट की जहाँ सेटिस्फाइंग फैक्शन नहीं है, तो नेक्स्ट काउंसलिंग सेकंड में आए, फिर आपने चॉइस फिल की, फिर आपको अलॉटमेंट हो गई, फिर आपने रिपोर्टिंग की, सीट ली या नहीं ली। तो ये सेकेंड काउंसलिंग हो गई है, यहाँ तक ये रहा 8 सितंबर तक, रिपोर्टिंग एट एलोकेटेड कॉलेज, ये वीडियो अलग से होगा सेकेंड काउंसलिंग में क्या होना है। तो ये 8 सितंबर 2023 को फ्राइडे को द मैनेजमेंट कोटा ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस विल बी एडवर्टाइज्ड द मैनेजमेंट कोटा सीट ओनली आफ्टर ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट्स बाय यूनिवर्सिटी, दैट इज 7 सितंबर 2023 आफ्टर एलोकेशन ऑफ द सीट्स। 7 सितंबर तक ये चलेगा, है ना, ये वाला। उसके बाद 8 तक आप एडवर्टाइज कर सकते हो, इसको भी समझ लेना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। एडवर्टाइजमेंट है कि आपने हर न्यूज़पेपर में, एक या दो न्यूज़पेपर में जो है एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसमें क्या होगा, कॉलेज का नाम होगा, सीट्स होगा, सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से अवेलेबल हैं, और डेट होगी, आप एप्लीकेशन दोगे और उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाने को तो कहते हैं, लेकिन वहाँ पैसे ही चलते हैं जिसने ज़्यादा दे दिए, है ना, जहाँ पर पैसे का मामला है। अदरवाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट पंजाब bedadmissions.gndu.ac.in पर जाकर आप 8 सितंबर 2023 फ्राइडे को आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। नेचुरली यहाँ पर आपको 2600 रुपया जनरल कैटेगरी और 1300 रिजर्व कैटेगरी को फिल करना पड़ेगा। ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर इन एंड इंटरेस्टेड फॉर मैनेजमेंट कोटा, ये 8 सितंबर को होगा, है ना, जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, उनके लिए है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिटिंग फीस थ्रू ऑनलाइन मोड इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड बैंक चलान एट एनी ब्रांच ऑफ HDFC बैंक थ्रू आउट इंडिया, कौन सी है, 14 सितंबर 2023 थर्सडे तक है, है ना, इस दिन आपकी फीस जमा होनी है। ओनली फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स, 13% सीट्स जिसकी बात करके आए हैं, फिलिंग अप ऑफ मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज 12 से 14 तक। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया, ये फॉर्म फिल करके आपने कर दी पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद, पेमेंट हर हालत में है, अगर आप, ऐसा होता है कि अगर आपकी बात पहले से हुई हुई है, नॉर्मली इन डेट से पहले ही आप किसी कॉलेज में जाके बात करके फीस दे के अपनी फिक्स कर लेते हो मैनेजमेंट कोटा की फीस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर कॉलेज को ही बोल देते हो नॉर्मली कि मेरे जो ये फीस है 2600, इसमें से ऐसे फिल कर देना, आप ही ऑनलाइन फिल कर देना, ऐसे कर लेते हैं, तो वो फिल कर देते हैं क्योंकि आप पैसे ज्यादा देते हो, आपका काम जल्दी हो जाता है। तो तो फॉर्म फिल हो गया, तो उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है, कॉलेज को रिपोर्ट करनी होती है जहां आप इंटरेस्टेड हो, तो वो नॉर्मली मेरिट बनाते हैं, कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, उसके बाद बार्गेनिंग करते हैं कि सीट कितने में बेचनी है, आप फिर बैठ के मैनेजमेंट के साथ बात करते हो कि हम इतने एक्स्ट्रा देंगे, हम इतने देंगे, इतने में बात करो, जो बार्गेनिंग में होती है, शॉपिंग में जो होता है, वही सब कुछ होना है। तो आप जहां भी सेटलमेंट कर सकते हो, आपकी सिफारिश है, ये वो है, सब कुछ वो चलता है, उनको आपसे काम है, है ना, आपके अथॉरिटी से काम है, आप काम निकलवा सकते हो, तो सस्ती हो जाती है ऐसी सीट। तो ये बात हो जाएगी, ये 14 तक आपने
जो है सीट वहाँ ले लेनी है। उन्होंने लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग एंड फील्ड सीट कोऑर्डिनेटर बाय कॉलेजेस ऑन वेब पोर्टल। तो 14 सितंबर को आप एडमिशन फीस सारी सेटिस्फेक्शन फीस कॉलेज में जमा करवा दोगे और कॉलेज यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर टिक करेगा कि ये मैनेजमेंट कोटा सीट हमने फिल कर ली है। तो फिर वो उसकी रिपोर्टिंग कॉलेज ने करनी है, यहाँ तक आपकी मैनेजमेंट कोटा में जो हो गई है। ओरिएंटेशन एंड रेगुलर क्लासेस टेंटेटिवली है 11 सितंबर को शायद शुरू हो जाए, तो ये बात की बात है। तो उसके बाद मैनेजमेंट कोटा सीट और आपकी सीट उसके बाद कोई भी फ़र्क नहीं रहता। नॉर्मली मैनेजमेंट कोटा में एक्स्ट्रा पैसे दे के बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए पर फीस यूनिवर्सिटी की दे के सीट लेने को कहते हैं। थैंक यू। कोई इन्फॉर्मेशन हो मैनेजमेंट कोटा की इसी वीडियो के नीचे पूछना। आपको भी उतना ही मोटिवेट करता हूँ कि टेट की तैयारी कीजिए, सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कीजिए, 2 साल आपके लिए भी उतने ही कीमती हैं, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। थैंक यू।